हेलो व्यूअर्स एंड माय डियर लर्नर, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रेड एंड येलो सॉइल ऑफ सब टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ द चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एंड इन दिस सॉइल वी विल हैव टू स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ इट, टेक्सचर एंड कंटेंट ऑफ इट, क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इट, एंड इन द लास्ट एरियाज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट। So let's see one by one all the important points which is written on the whiteboard. See, first point is this is a type of sedentary or residual soil of South India. Broadly, there are only two types of soil in the world, and those are drifted or transported soil, and this is sedentary or residual soil. Drifted or transported soils means बाहित मिट्टी, जैसे उदाहरण के तौर पर जलोढ़ मिट्टी है जो नदी जल के द्वारा बहाकर अन्यत्र कहीं बिछाए जाते हैं। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में जलोढ़ मिट्टी हिमालय पहाड़ से जो है वह नदी जल के द्वारा बहाकर लाया जाता है और संपूर्ण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में बिछाई जाती है, तो वो आपको हो गया ड्रिफ्टेड और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेकिन ये रेड एंड येलो सॉइल जो है और इसके अतिरिक्त भी सॉइल है जो साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, वह आपको सेडेंटरी और रेसिडुअल सॉइल है, जिसको आप स्थानबद्ध या अवसादी मिट्टी कह सकते हैं। ये आपको जो स्थानबद्ध या अवसादी मिट्टी होता है वह किसी क्षेत्र के स्थान विशेष के जो पेरेंट्स रॉक होते हैं या बेड रॉक होते हैं उसी के अनच्छादन, अपरदन के फलस्वरूप वहीं डेवलप होता है और वहीं उसी आसपास में रह जाता है, बहुत ज़्यादा उसका फैलाव नहीं होता है, तो वैसे सॉइल को हम रेसिडुअल या सेडेंटरी सॉइल कहते हैं। अब देखते हैं, दिस हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ अंडरलाइंग इग्नियस रॉक्स। आप जब रॉक साइकिल पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इग्नियस रॉक्स प्राइम रॉक होता है या प्राइमरी रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक सेकेंडरी रॉक होता है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक टर्शियरी रॉक होता है। तो रॉक साइकिल में आप पढ़ेंगे कि प्राइमरी रॉक जो है वह सबसे प्राचीनतम रॉक है साउथ इंडिया के अंदर। तो पृथ्वी के निर्माण के समय में भी पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में जो है आपको हर तरह के मिनरल्स, हर तरह के रॉक पार्टिकल्स उपलब्ध है, मिलते हैं। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये दक्षिण भारत का ये जो संपूर्ण आपको ये पठारी इलाका है, चाहे वह आपको छोटा नागपुर का पठारी इलाका हो, सेंट्रल हाईलैंड्स हो, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, या आप ये डेक्कन ट्रैप जो संपूर्ण भाग है, इसका निर्माण दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकले लावा, राख, मैग्मा, बैसाल्ट, ग्रेनाइट इत्यादि चट्टानों से हुआ है, जो दरार से निकलकर निस्सृत होकर इस पूरे क्षेत्र में फैल गया। दरारी उद्भेदन एक होता है, और दूसरा होता है ज्वालामुखी विस्फोट, जिसमें ये सारे पदार्थ फोर्स के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन दरारी उद्भेदन में धीरे धीरे उसका फ्लो होता है और वह बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। ये गोंडमाना प्रदेश में या पूरे गोंडमाना प्रदेश में यह फैला हुआ है। तो चूंकि ये जो है दरारी उद्भेदन से निकलने वाले ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसमें मिले हुए हैं या इग्नियस रॉक्स हो गया, तो इस वजह से इसमें आयरन कंटेंट यहाँ के सॉइल में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखते हैं, दिस सॉइल हैज़ डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड एंड येलो कलर जस्ट एज टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। मतलब ये एक ही पेरेंट्स रॉक का, बेड रॉक का जो है सॉइल है, ये अनच्छादन से उत्पन्न हुआ ये सॉइल है, इस वजह से इसमें रेड एंड येलो सॉइल दो अलग अलग रंग देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और टेल,
उसी तरह से इस मिट्टी के भी दो रंग होते हैं, जबकि इसका पेरेंट्स रॉक एक ही होता है, बेड रॉक एक ही होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, दिस रेड कलर ऑफ दिस सॉइल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ आयरन कंटेंट प्रेजेंट इन हार्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। इससे पहले हमने आपको बताया है कि ये जो है वो इग्नियस रॉक्स से बना हुआ है, प्राइमरी रॉक्स से बना हुआ है, और इग्नियस रॉक्स का जब अनाच्छादन होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, फिर अवसादी चट्टान या आप सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। तो इसमें इग्नियस रॉक्स भी है और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी है, और या यूं भी यूं कहें कि इस इग्नियस रॉक से जो है अनाच्छादन के पश्चात सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स भी डेवलप होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के फलस्वरूप। तो इसमें देखिए कि जो इग्नियस रॉक्स है जिसमें आयरन कंटेंट की पर्याप्तता होती है, उस रॉक्स में क्या होता है, वह धीरे धीरे जब उसका वेदरिंग आरंभ होता है, वह जल के संपर्क में आता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन शुरू होता है, और ऑक्सीडेशन जब शुरू होता है तब उसमें जो मौजूद आयरन कंटेंट होते हैं उस रॉक्स में, वह आयरन कंटेंट चूँकि रेड होता है बाय नेचर, वह उस सॉइल में डिफ्यूज होने लगता है। वेदरिंग के बाद जो सॉइल डेवलप करता है उसमें डिफ्यूज होने लगता है, मिश्रित होने लगता है, और इस वजह से उस सॉइल का रंग आपको रेड हो जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म, लेकिन जब उस मिट्टी में ज़्यादा पानी का जमाव हो जाता है, ज़्यादा पानी लग जाता है, तो उस मिट्टी का लीचिंग हो जाता है, और उसके फलस्वरूप वह हाइड्रेटेड फॉर्म में बदल जाता है, और परिणामतः उसका रंग भी बदल जाता है, और वह हो जाता है येलोइश या येलो अर्थात पीला रंग का हो जाता है। आप गंगा के मैदानी भाग में भी सुनते होंगे या देखे होंगे अगर उस इलाके से हैं तो, कि मैदानी भाग में भी जो चापाकल है जिस हैंडपम्प का लोग प्रयोग करता है, उस हैंडपम्प से आयरन युक्त पानी निकलता है, आयरन रिच वाटर निकलता है, जिस वजह से वहाँ जो चबूतरा बना रहता है हैंडपम्प के चारों तरफ, वह चबूतरे लाल हो जाते हैं, ज़्यादा पानी के प्रवाह से लाल भी होता है, और आप देखेंगे उसके एडजेसेंट एरिया आउटस्कर्ट एरिया में वह पीले रंग के भी दिखाई पड़ते हैं। रेड एंड येलो सॉइल आर द प्रोडक्ट ऑफ सेम पेरेंट्स और बेडरॉक, इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, एक ही बेडरॉक या पेरेंट्स रॉक्स जिसको हम पितृ चट्टान कहते हैं, क्योंकि उसी से यह सॉइल डेवलप करता है। इसी वजह से हम इस रेड एंड येलो दोनों सॉइल को एक ही साथ पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेक्सचर एंड कंटेंट के बारे में। ऑन दी हाई लैंड ग्रेवली और मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड क्ले, जब आप इन इलाकों को देखेंगे, ये यहाँ आप की देख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल का, इस क्रॉस से दिखाया गया ये इलाके आपको रेड एंड येलो सॉइल का है, इधर रेड एंड येलो सॉइल है, तो ये इसके जो उच्च भाग में देखेंगे, हाईलैंड में देखेंगे, तो वहाँ का जो मिट्टी है वह आपको कंक्रीली है, मतलब ग्रेविली है, और उसमें आपको रॉक पार्टिकल्स, छोटे बड़े रॉक पार्टिकल्स भी मिलते हैं, कंकर बजरी इत्यादि भी मिलते हैं, और साथ में क्ले भी मिलते हैं जो पैरेंट रॉक से निकलता है। ऑन दी लो लाइंग एरिया इट इज लोमी, जब आप निचले इलाके में जाएंगे जहां वह थोड़ा बहुत वर्षा जल के साथ, या आप कह सकते हैं फ्लूवियल जो जलीय प्रक्रम है, कहीं हिमनदीय प्रक्रम काम करता है, तो उसके साथ बहकर जब वह नीचे आ जाता है, तो वहां आपको ये लोमी टाइप का मिलता है, दोमट टाइप का मिलता है। इस मिट्टी में जो है आपको लाइम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की इसलिए भी कमी होती है क्योंकि ये संपूर्ण इलाका आपको पतझर वन का इलाका है, डेसिडियस फॉरेस्ट का इलाका है,
इसमें जो पत्तियां हैं वह कम डेवलप करता है। और अब तो स्थिति यह है कि यहाँ के किसान उन पतझर वनों को भी काटकर खेती के लिए उस भूमि को खाली कर दिया। तो पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, पेड़ों का जो पत्तियाँ हैं, जो ह्यूमस पैदा करता है या ह्यूमस के लिए आवश्यक है, वह पेड़ तो रहा नहीं, इसलिए ह्यूमस का नितांत अभाव होता है। अब देखते हैं, फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू मेक इट फर्टाइल। किसान उसमें उस फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके वहाँ खेती करने के लिए उसमें फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि वह कंपैरेटिवली तुलनात्मक ढंग से आपको ये फर्टाइल सॉइल नहीं होता है। आगे देखते हैं, क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस में, क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस में मतलब इसका पैदावार या फसल में देखते हैं, माइलेट्स मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, पल्सेज, लिंसीड एट्सेट्रा आर द मेजर क्रॉप्स, ये यहाँ के प्रमुख फसलें हैं। इसके अतिरिक्त पैडी अर्थात धान, व्हीट अर्थात गेहूं, पोटैटो, वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स। किसान रासायनिक खाद का प्रयोग कर या खाद का प्रयोग कर इन सारे फसलों का भी और साग सब्जियों का भी उत्पादन कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरियाज को देखते हैं। तो इसमें देखें, रेड सॉइल इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेकन प्लेट्यू का हिस्सा देखिए। इसमें आप ये देखिए ईस्टर्न पार्ट, ये सारे संपूर्ण ईस्टर्न पार्ट और ये साउदर्न पार्ट जिसमें ये क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है जो जो इसकी से रेड एंड येलो सॉइल को दिखाता है, इस भाग में येलो रेड एंड येलो सॉइल मिलते हैं। इसके अतिरिक्त रेड एंड येलो सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा। तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भागों में भी आप देख रहे हैं। उसके अलावा ये मिडल गंगा, ये जो मिडल गंगा का मैदान, इसके साउदर्न पार्ट में मतलब दक्षिणी हिस्से में भी ये एक पतली सी पट्टी आप देख रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल का, और अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। और ये जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट पहाड़ के जो पर्वतीय प्रदेश है, इस इलाके में भी आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलते हैं। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल को बारी बारी से पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।